भावना फई मेरी बुआ है और वो जब भी हमारे गांव मतलब हमारे फार्म हाउस आते हैं मतलब एक अलग ही रौनक हो जाती है। बा और दादा के लिए बहुत सारा खाना और ढेर सारी खुशियां लेके आते हैं। बेटी छोटी हो या बड़ी उसके घर के आंगन में आते ही खुशियों की लहर छा जाती है। और मेरे भावना बुआ की तो बात ही अलग है, वो तो हजारों में एक है। ऑल्सो आज वो मेरी दादी के लिए एक मोबाइल गिफ्ट लेके आए हैं, सो ये मोबाइल मेरी दादी का सबसे पहला मोबाइल है। वावड़ी निकल रहे हैं मैं और हीना। सो या सफर की शुरुआत हो चुकी है। सब हम आ चुके हैं हमारे फार्म हाउस पे। ये मेरे दादा, फिर आज भावना फई भी आए हुए हैं, भाविक भी आया हुआ है, बा के साथ यहाँ पर गपशप कर रहा है। सो और पापा पीछे काम कर रहे हैं, उनको हम काम करवाते हैं। कौन उधर उधर दादा मस्ती कर रहे हैं कि हमने मेरी मम्मी को है ना एक बार ऐसा ऑफर दिया कि ये लो 2000 रुपए, जितना उधार है ना रख लो। तो मेरी मम्मी ने ना सच में उसमें से मजाक में सच में 500 रुपए रख लिए, ठीक है। तो मेरे दादा वही बोल रहे हैं कि उसको पूछो कितना और नामा हुआ है, ऐसा मतलब नामा मतलब खाता कितना बना है वैसा। ये देखिए तुलसी माँ कितने प्यारे लग रहे हैं, ठीक है, अच्छे से उगाए एकदम, मतलब फ्रेश उग गए हैं। ओके, और ये है ना कैक्टस है, ये देखो कितना बड़ा है। ये हम चोरी करके ले जाएंगे हमारे स्टूडियो में लगाने के लिए। फोन उपाड़ता ये आपस में फोन बातें कर रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं कि फोन पे बात करना आता है कि नहीं बागो। ये यहाँ पर बैठ के बंद कर दो आ बाजू नु वाह 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 आवड़ी गयो ए मम्मी बा ने आवड़ी गयो आ हा हा बा तो मोबाइल वाले हो गए एकदम। एम रमेश भाई तुम्हारे बैंक में पैसा बाकी थे आपो લોન ના પૈસા આપો હું બોલું છું બેંક માંથી લોન ના પૈસા આપો દૂધ ના પૈસા છે આપો એમ मेरे बाप मेरे पापा को फोन करके प्रैंक कर रहे बागू घरे वापस आई जा
પાકી તો ગયું, કોથળો નાખવાનો, ચીકુ નાખવાનો, છાપા ઢાંકી દેવાના, મસ્ત પાકી જાય. ઉન્હોને આ 100 સાલ ખેતી કી હૈ और आप 20 दिन पूरा नहीं बाको सिखाओगी. हम खेतों में बैठे हैं आराम से छाए में चीकू के पेड़ के नीचे. यहाँ पर पानी चल रहा है, सिंचाई हो रही है. ये तुम्हारा छोकरो तोड़ी लावे ठीक. गजब बेइज्जती है. हमारी धर्म पत्नी फिर से लग गई है काम पे चूल्हा चौका फोकने. आज वैसे भावना फाई बना रहे मोस्टली सब कुछ, हीना तो बस हेल्पिंग हैंड है. आज किसकी सब्जी बन रही है? बाफेला बटेटा नु शाक. मेरे दादा और बाने जिंदगी में कभी ऐसा दूर रह के एक दूसरे से बात नहीं की ना, इसलिए दादा बाहर बैठ के और बा अंदर बैठ के सुबह से एक दूसरे को फोन लगा लगा के बातें कर रहे हैं. दोनों लव लपाटा कर रहे हैं कब से. और बा ने फोन उठाते ये बोला हूँ छे बटा, दादा को ऐसा बोलो. दादा ने रिप्लाई क्या दिया, हूँ तारे बटा दो. आप से गुंडा मेक लू, बस मोक लीजियो पैसा. मैं तो गुंडा मेक लू छू. બોલો બોલો. ગુંડા મેકલું નતર ગુંડા મેકલીશ. ઉઘરાણી વાળા મેકળવા પડશે. ઉઘરાણી વાળા મેકલી હોવું. એ પૈસા આપી દેજો. ઈ તો ભૂતો છે અહીંયા. અહીં બધા નવીરા નવીરા બેઠા. હા બોલો બોલો. હા પર એ ગાંડો હુઈ ગયો છે. એસા મલાઈદાર ઘી હે, દહી હે, સોરી દહી નિક જમાયા ગયા હે ઘર કે દૂધ કા. ઇતના મક્ખન નિકલ રહા હે, ઇતના મક્ખન મલાઈ મલાઈ નિકલ રહી હે કે બાત મત પૂછો. યે દેખો ઇસકી ચહેરે પે મલાઈ દિખ રહી હે. હમારે એકદમ આધુનિક હે. દેખિયે કાન મે એપલ કે હેડ એરપોડ ડાલ કે पिक्चर पिक्चर देखते देखते खाना खा रहे. इधर बा हमारे देसी तरीके से, आज तो भाविक भी एकदम ढाबे स्टाइल में चारपाई पे बैठ के खाना वाना खा रहा है. आज ही हमारा घरे बनावेली छे काठियावाड़ी चटनी तवा ऊपर, अने साथे साथे काठियावाड़ी बटेटा नु शाक बनावेलू छे, अने काठियावाड़ी फेशियल भाखरी बनावेली छे. जो आ एकदम कड़क रोटली ने भाखरी कहवाय. अने आ छे अमारी काठियावाड़ी वाइफ. चलिए खाना लग चुका है. बिल्ली मियाओ मियाओ कर रही है. अब खाना खा लेते हैं. ओ उन्हें मामा भेजाई सी डीजल भरवा. मैं लोगों पेट्रोल पंप पे आवी गया छी है. ડીઝલ ભરાઈ ગયું છે. હવે રાહુલે પાણી મંગાવ્યું છે, તો એની માટે પીવાનું પાણી જોઈએ. હવે चाय चाय पीऊंगा ना. मैं अभी स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ गांव में, देखते हैं क्या स्पीड आ रही है. ठीक है. टन 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 ला 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 ला. ये बेबी 2 Mbps अपलोड स्पीड है, 37 Mbps डाउनलोड स्पीड है, और ये मेरे गांव में. अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ. अगर मैं यहाँ पर बैठ के एडिट करता हूँ, अभी हमारे पास टेबल वगैरह नहीं है यहाँ पर, बट फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एडिट करते हैं तो जो व्यू आएगा वो हमारा कुछ इस तरीके का आएगा. ये देखिए. ओ
हे गाइस व्हाट्स अप, अभी हो रही है शाम और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसा बढ़िया सा मौसम हो रखा है।